कब और कहां से आया चश्मा? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चश्मा के बारे में। सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम आपको चश्मे का वास्तविकता बताने वाले हैं और बताने वाले हैं आखिर चश्मे का आविष्कार किसने किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चश्मे का इतिहास कुल 700 साल से भी अधिक पुराना है। चश्मे का आविष्कार 1286 ईस्वी में इटली के नगर पीसा के एक दस्तककार ने किया था। अफसोस कि इस महान आविष्कारक का नाम भी अब हम नहीं जानते हैं। हालांकि इस अज्ञात दस्तककार के इस महानतम खोज को लोकप्रिय बनाने का काम किया एक रोमन कैथोलिक भिक्षु अलेजेंद्रो डेला स्पिना ने। वेनिस में कांच उद्योग की मौजूदगी ने भी 13वीं 14वीं सदी में चश्मे को इटली में लोकप्रिय बनाने और उसके उत्पाद में योगदान दिया। पेट्रार्क ने भी, जिन्होंने मानववादियों में अग्रणी माना जाता है और जो अपनी प्रेम पूर्ण कविताओं के लिए जाने जाते हैं, अपनी किताब लेटर्स टू पोस्टेरिटी में अपनी नजर के कमजोर होने और चश्मे का इस्तेमाल करने का उल्लेख किया है। बगैर प्रकाश विज्ञान के विकास को समझने चश्मे के इतिहास को नहीं समझा जा सकता। प्राचीन ग्रीक में अरस्तु से पूर्व यह धारणा थी कि चीजें हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारी आँखों से निकलने वाली ज्योति उन पर पड़ती है। यूक्लिडस ने इस धारणा को खारिज करते हुए बताया कि चीजें खुद प्रकाश की किरणों आंखों तक भेजती है जिसकी वजह से वे हमें दिखाई देती है। लेकिन ऑप्टिकस पर सबसे क्रांतिकारी और विचारोत्तेजक किताब लिखी इब्र अल एथम ने। 11वीं सदी में लिखी गई अल एथम की किताब का शीर्षक था किताब अल मांजिरज यानी बुक ऑफ ऑप्टिकस। यह किताब 1572 ईस्वी में लैटिन भाषा में अनुदित हुई। मध्यकालीन इस्तेमाल और विज्ञान के गंभीर अध्येता हार्वर्ड टर्नर के अनुसार अल एथम ने पहले तो इस बात का अध्ययन किया कि अलग अलग माध्यमों मीडियम से, मसलन हवा, पानी, कांच आदि से गुजरते हुए प्रकाश की किरणें कैसे अपरिवर्तित होती है या विचलित होती है। अल एथम ने यह भी दिखाया कि कैसे सूर्यास्त के समय क्षितिज से नीचे रहते हुए भी सूर्य हमें वातावरण में होने वाले प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। चीन में भी 15वीं सदी के मध्य में चश्मे के प्रयोग का पहला उल्लेख किया गया। दूर दृष्टि दोष के लिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग 16वीं सदी से पहले होने लगा था, पर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग 16वीं सदी में शुरू हो सका। लेंस की क्षमता का ठीक ठाक अंदाजा न होने की वजह से लंबे समय तक सही चश्मे के लिए लोगों को ट्रायल एंड एरर इस्तेमाल के बाद सही या गलत बताना की प्रणाली पर भरोसा करना पड़ता था। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आपके साथ शेयर करनी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे रोचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।